पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में क्रमिक अनशन शुरू किया है। आज क्रमिक अनशन का चौथा दिन है। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस प्रचार विभाग के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के सेरी चांदनी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और पेपर लीक मामले की निंदा की। सुक्खू ने कहा कि नकल माफिया प्रदेश में सरकारी नौकरी देने के लिए सक्रिय हुआ है। इस संदर्भ में युवा कांग्रेस के अनशन में वे साथ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए इस पेपर को लीक किया है और जो नकल माफिया सरकारी रोजगार देने में सक्रिय हुआ है, उस संदर्भ में जो युवा कांग्रेस ने क्रमिक हड़ताल रखी है, हम सब लोग उनका हौसला अफजाई करने के लिए आए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थुनाग आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस इस बार सोचेगी कि उनकी बारी है चुनावों को लेकर, तो यह उनकी गलत सोच होगी और दिल पे चोट लगेगी। देखिए, मैं जयराम ठाकुर जी को से ये कहना चाहता हूँ कि हम बारी के लिए राजनीति नहीं करते, इसकी बारी उसकी बारी। हम सेवा की राजनीति करते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आना चाहते हैं, हम सत्ता महज सत्ता के लिए प्राप्त नहीं करना चाहते और ऐसी सत्ता कभी भी प्राप्त नहीं करना चाहते जहां सरकारी अधिकारी नेता लोग शामिल हों। गरीब युवाओं के साथ जो नकल पेपर लीक मामला हुआ है और सारे युवाओं के साथ जो धोखा करते हो, ऐसी सरकार युवा साथी नहीं चाहेंगे। ये पहली बार हुआ है आज़ादी के इतिहास के बाद, पहली बार ऐसा हुआ है कि 4.5 साल में जितने भी सरकारी रोजगार निकले युवाओं ने भरे। 1,76,000 युवाओं ने पुलिस का फिजिकल टेस्ट के लिए आवेदन किया, उसमें आवेदन में फीस लगती है, उसके बाद 76,000 लोग उसमें सिलेक्ट हुए 1700 पोस्टों के लिए, और उसमें कैसे अपने रिश्तेदार और अपने लोगों को शब्द नकल के माध्यम से सिलेक्ट करवाया जाए, इस दृष्टिकोण से ये पेपर लीक हुआ है। अगर उसमें पेपर हमारे समय में क्यों नहीं हुआ, हम इतने साल सत्ता में रहे, हमारे समय में क्यों नहीं हुआ? युवाओं को धोखा देने का कार्य जो करते हैं और बारी की जो बात करते हैं, हिमाचल की युवा जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। कांग्रेस मामला भी दर्ज करेगी, कोई केस दर्ज करेगी? देखिए, हम सीबीआई का मामला अकेला करेगी? देखिए, सीबीआई का मामला दर्ज हुआ है। अगर सीबीआई का मामला दर्ज हुआ है तो सीबीआई का मामला दर्ज करना महज औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। सीबीआई की जो पेपर लीक से संबंधित इंक्वायरी है वो 90 दिन के भीतर ये सरकार और जनता के अदालत में लाए, विधानसभा के पटल पर रखे, सब लोगों को बताए कि कौन लोग इसमें शामिल थे, तब सच्चाई सामने आएगी। महज चुनाव के वक्त 6 महीने रह गए हैं और सीबीआई की रिपोर्ट चुनाव के बाद आएगी तो ये अपने आप को ढकने का एक काली करतूत होगी। हम जनता से उम्मीद करेंगे कि विधानसभा का जब सत्र शुरू हो उसमें ये सीबीआई की रिपोर्ट, जो सीबीआई की इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो पटल पर रखी जाए। लेकिन 70 अभी 1-1.5 महीने में शुरू होना है, लेकिन 90 दिन के भीतर अगर नहीं रखी जाएगी तो कांग्रेस पार्टी तेज आंदोलन करेगी। सिटी हार्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेहरे बड़सर जिला हमीरपुर का एकमात्र हृदय रोग निवारण केंद्र आपकी सेवा में 24 घंटे कार्यरत है। यहाँ होता है हृदय रोग संबंधित हर बीमारी का इलाज। यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम आपके हृदय का बेहतर इलाज एवं देखभाल करने को हमेशा तैयार है। यहाँ हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी यहाँ कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं। हृदय संबंधी किसी भी इमरजेंसी के लिए कृपया संपर्क करें 0972-22-82-22। आपके हृदय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। हमारा पता है भकरेड़ी, तहसील बड़सर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।